सब्सक्राइब कीजिए केपीए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए आज रेडमी वाई टू का रिव्यू करते हैं जल्दी से। और इसके बारे में अनबॉक्सिंग वीडियो पे पहले बना चुका हूँ इसकी, तो आप उसको देखना चाह रहे हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे की साइड इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो, जो कि आप देख सकते हो गोल्ड कलर में है, रोज़ गोल्ड कलर में। तो इसके बारे में चलिए मैं सारा कुछ बता दूँ फीचर्स पे। और इसके जो स्टिकर थे वो मैं सब हटाया नहीं था पहले की, और जो इसमें लगे हुए थे इसके पीछे की साइड, ठीक है। तो उनमें सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है, वेट वगैरह। तो चलिए इसकी बात करते हैं फ्रंट की। तो इसमें आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पे, जो कि AI सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे दे रखा था, तो पहले की वीडियो में नॉर्मली रिव्यू में बताया था उसके बारे में, ठीक है। और फिर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक आपको सेंसर मिल जाएगा यहाँ पे, फिर एक सेल्फी मिल जाएगी 16 मेगापिक्सल के साथ, जो आपको नाइट में फोटो लेने में बहुत हेल्प करेगी और अच्छे फोटो भी मतलब आपको प्रोवाइड कराएगी। तो और बगल की बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रोकर बटन मिल जाएंगे यहाँ पे, वॉल्यूम प्लस माइनस के, और यहाँ पे एक ऑन ऑफ का जो कि लॉक का और काम करता है बटन, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे की साइड आप मिल जाएंगे, यहाँ पे यदि इधर की साइड बात करेंगे अपन तो यहाँ पे माइक्रोफोन होगा, यहाँ पे एक स्पीकर होगा जो कि इसका काम करता है साउंड के लिए जो भी। और यहाँ पे एक चार्जिंग पिन मिल जाएगी, जो कि आपको टाइप सी इसमें प्रोवाइड नहीं कराई इन लोगों ने। यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे 3.0 की है, मतलब USB माइक्रो USB, ठीक है। फिर इधर की बात करते हैं तो इधर की आपको टू इजेक्टर टू मिल जाएगा, जो कि सिम के लिए दिया गया है। इसमें मैं इसको जल्दी से ओपन करके इसको भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे बात करते हैं ऊपर की, तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 3.5 mm जैक का मतलब पोर्ट है, और यहाँ पे एक को आपको उसके उसका मिल जाता है रिमोट कंट्रोल के लिए, और यहाँ पे सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया है जो नीचे था उसके ऊपर वाला ये दिया हुआ है। बात करते हैं इसकी फ्रंट की, तो ये मतलब बूट हो चुका है, तो इसके बारे में जल्दी से मैं इसका सारा कुछ कर लेता हूँ आप देखते हो, चलिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा, मैं इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा ही। यदि आपको कोई भी कमी लगे कि हाँ ये कुछ मतलब कमी है, या फिर ये इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा जल्दी से, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी सारा कुछ हो चुका है। तो इसको अपन स्किप करते हुए चलते हैं, और टर्म एंड कंडीशन है जो कि आपको एक्टिव करनी ही पड़ेंगी। और फिर इसमें चेकिंग सिम का कर रहा है, जो कि सिम है ही नहीं अपने पास, तो स्टेप कर देते हैं इसको भी और नेक्स्ट करते हुए चलते हैं। तो इसमें कोड मांगेगा जो भी हेल्प, ये सब मतलब इसको ऑल रखिएगा, क्योंकि ये आपकी ईमेल आईडी से कनेक्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसको भी नेक्स्ट करते हैं जस्ट ए सेकंड। तो आप देख सकते हो इसमें दो चीज़ें मांग रहा है, फिंगरप्रिंट और ओनली स्क्रीन लॉक। तो स्क्रीन लॉक भी आपको इसमें दिया गया है और फिंगरप्रिंट लॉक का दिया ही गया है, तो जो भी आपको ठीक लगे। और ये सब लोकेशन अलेवा ये सब आप ऑन रहने दीजिएगा। फिर इसमें थीम मिल जाएगी आपको दो तरह की, जो भी आपको ठीक लगे आप वो लगा सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, और ये अपना सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया, सेटअप कंप्लीट दिखा रहा है। और आपको कुछ कमी लगे तो ज़रूर बताइएगा, हाँ तो मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। यदि साउंड से क्वालिटी से या कैमरे की क्वालिटी से जो भी आपको ठीक लगे आप मेरे से बोल सकते हो। सॉरी डिस्टर्ब हो रहा हो तो ट्रेन का, ये इन्होंने मतलब इतना मॉडल बाद में आया, जब भी यहाँ पे देखा जाए तो मतलब सब लोग बोल रहे हैं। और यहाँ पे है ना टाइप सी इनको देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया इन लोगों ने, और माइक्रो USB का ही दे दिया है 3.0 का या 2.0 का से। और बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी इन्होंने फुल मतलब HD नहीं दी है, ओनली HD+ दी है, जो कि 720 पिक्सल पे वर्क करती है, आप देख सकते हो इसमें बता ही रखा था इसके बारे में। और जो पीछे के कैमरे की बात कर लेते हैं अपन, तो पीछे आपको दिया गया है 12 मेगापिक्सल का जो ऊपर का कैमरा है, और नीचे की साइड दिया गया है 5 मेगापिक्सल का, ये भी AI के उसमें काम करता है, ठीक है, AI पावर्ड पे, ठीक है। और जो ऊपर का कैमरा है वो लार्ज 1.25 UM पिक्सल पे दिया गया है। और इसकी जो डिस्प्ले है ये पूरी, तो ये 5.99 इंच पे दी गई, मतलब 6 इंच पे, ठीक है। तो और ये आप देख सकते हो HD+ मैं दिखा रहा था आपको, HD+ के बारे में, जो कि 720 पिक्सल की डिस्प्ले दी गई है। और एस्पेक्ट रेशो देख सकते हैं आप 18:9 पे दे रखा है जी एक तरह से। तो और प्रोसेसर दे ही रखा है 625 का, जो कि ऑक्टा के प्रोसेसर पे दिया गया है, ठीक है। और ये दो वेरियंट में थी, तो 3 GB और 32 GB और 4 GB 64 GB में, तो मेरे पास 3 GB वाला है। ये सब हो गया कि नहीं तो वो देख सकते हैं आपके सामने, आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। इसके बारे में MI के बारे में ये बता रहा है,
और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि इसमें बताई रहे हैं, एएल पावर्ड कैमरा, तो मतलब एएल के जो ऑप्शन है इसमें दिए गए हैं, जैसे कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है ब्लर के लिए और उनमें सब के लिए पोर्ट्रेट मतलब टाइप के, और एलईडी लाइट सॉरी लाइट दिया गया है वोल्टेज में, तो आप एक साथ में दो लाइट मतलब दो 4G सिम लगा सकते हैं पर प्रॉपर अच्छे से काम एक ही सिम करेगी, और दो नैनो सिम लगा सकते हैं उसके साथ में कार्ड लगा सकते हैं अपने मेमोरी कार्ड, और बैटरी बैकअप भी इन्होंने बहुत कम दे दिया, 1000 mAh कम दे दिया, जो कि नॉर्मल फ़ोनों में 4000 mAh की बैटरी आई रही है, तो पता नहीं उन्होंने ये चीज़ भी बेकार दे दी। और फेस कैमरा इसमें दिया गया है फेस अनलॉक, वो मैं आपको अगली वीडियो में और भी यदि बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा इसके बारे में, और फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह, और MIUI 9 दिया गया है देख सकते हो इसमें, और जो नए आ रहे हैं उनमें MIUI 10 दिया गया है, जो मैं अभी मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ मेड इन इंडिया का बनाया हुआ ही है। और इसकी बात करते हैं तो अब ये फ़ोन ऑन हो चुका है तो इसके बारे में जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको। तो चलिए अपन सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग में जाइएंगे तो आप देख सकते हो ऊपर ही इसके बारे में अबाउट फ़ोन के बारे में आपको मिल जाता है आपको ऑप्शन, तो इसमें आप देख सकते हो कई सारी चीज़ें, तो मॉडल नेम बता रखा है, मॉडल नेम वगैरह, और एंड्रॉयड वर्जन दे रखा है 8.1 पे, या एंड्रॉयड ओरियो पे काम करता है, और अपडेट जो वगैरह सब एंड्रॉयड 2018 11 में अपडेट हो चुका है एक तरह से, इसलिए नहीं तो इसमें यदि MIUI वर्जन की बात करें तो नॉर्मली इसमें MIUI 9 आया हुआ था पहले, अब वो 10 को अपग्रेड कर दिया है इन लोगों ने, और मॉडल नेम अलग से दिया हो गया एक और। और यदि प्रोसेसर की बात करें तो इसमें 2.0 GHz के साथ में ऑक्टा कोर दिया गया है स्नैपड्रैगन 625 का, ठीक है जो भी कम है, 635 ऊपर आ रहे हैं अब तो आजकल। और रैम की बात करें तो 3 GB का है वेरिएंट मैंने बताया था, और इंटरनल स्टोरेज इसमें आपको मिल जाएगा 32 GB में, जिसमें से 23.28 GB अभी अवेलेबल है, मतलब प्रॉपर ये यदि मेरे पास जो मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो नोट 4 है उसकी मतलब 32 GB में है कुछ 25 GB की स्टोरेज, और इसकी कम की है 24.2 GB है, ठीक है तो पता नहीं एक कुछ और भी MB मतलब ये ज़्यादा खा रहा है, नहीं तो उस पहले ही कम आता है उसमें भी और भी कम कर दिया इन लोगों ने। और जो कैंडल वर्जन है ये आप देख सकते हैं 3.18.71 पे है, और इसके बारे में सारा कुछ बताई रखा हूँ, और सिम सिस्टम अपडेट का भी कोई इसमें आया नहीं है, वो कि मैं वाईफाई से कनेक्ट करूँगा तो वो आपको मैं और बता दूंगा, तो चलिए मैं सारा कुछ बताई दिया हूँ। और सिम इजेक्ट टूल की बात ओपन कर रहे थे तो वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, और केबल की और चार्जर की भी मैं आपको कन्फर्म कराता हूँ, अभी रुकिए थोड़ा सा सॉरी क्योंकि टाइम लगता है इन चीज़ों में, इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, पर हो ही गई थोड़ी बहुत लंबी, इसीलिए मैं अनबॉक्सिंग वीडियो में नहीं बनाया था सारा कुछ, पैकिंग भी पता नहीं क्या क्या करते हैं समझ नहीं आता, खुलता ही नहीं है। तो यदि आप इसकी सिम इजेक्टर टूल की मैं बात कर रहा था तो आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ इसके भी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, तो आप देख सकते हो इसमें फ़ायदा है मेरा वाला जो MI का जिसको मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ नोट 4 की, तो उसमें आप मतलब एक ही सिम लगा सकते थे यहाँ पे, और एक मतलब इतना ही पोर्ट आता था, ये एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं आता था, अब इसमें 2 सिम आप लगा सकते हो, यहाँ पे अपना कार्ड भी लगा सकते हो, तो आपको स्टोरेज की भी कमी महसूस नहीं होगी। और यदि आप बात करते हैं इसके चार्जिंग केबल और इनकी, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको, तो चार्जर आप देख सकते हो इसका 2.0 है 5.5 वोल्ट में और 2.0 एम्पीयर में, ठीक है तो यही मेरा नोट 4 का जो चार्जर है वो भी इसकी सेम लुक में, और इससे छोटा भी है और क्यूट भी लगता है लुकिंग वाइज, देखिए आप इससे बहुत छोटा है, मतलब बहुत ही छोटा लगता है, ठीक है साइज में भी बड़ा है और इससे सब तरह से चौड़ाई में भी और लंबाई में, ठीक है देख सकते हैं लुकिंग वाइज यही अच्छा लगता है छोटा वाला। और इसमें शायद स्पीड ये भी नहीं है कि इन्होंने वो तेज़ दिया हो, जैसे कि फास्ट चार्जर का कोई चार्ज नहीं है, फास्ट चार्जर नॉर्मल चार्जिंग ये होता है जो कि पहले मॉडलों में होता था। और यदि केबल की बात करते हैं तो केबल आप देख सकते हो केबल की लेंथ इसमें बहुत कम दी है, पहले की जो केबल आती थी उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा दिया करते थे, तो इसकी लेंथ भी मैं आपको कन्फर्म करा देता हूँ, ये मेरी नोट 4 की केबल है जो कि मतलब मैं ये जिससे मैं बनाई रहा हूँ कैमरा से रिकॉर्ड सॉरी, तो आप देख सकते हो इतना फ़र्क है इसमें एक्स्ट्रा, तो केबल भी इसमें छोटी दी है इन लोगों ने, पहले वाली जो केबल आती थी वो लंबी आती थी, तो ये सब मैं बता दिया हूँ आपको। वीडियो कैसी लगी वीडियो मुझे बताना कमेंट में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ अनबॉक्सिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और एंड्रॉइड बेस जो भी मतलब सब तरह की, आप मेरे चैनल पर जुड़े रहोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किस किस तरह की मतलब पर सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो होती हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गुड लक, और जाते जाते मैं लास्ट में 3 वर्ड मिलेंगे आप यदि उनको देखोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, तो चलिए मिलते हैं जल्दी।